वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देव राज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सी, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक मेरे एक व्यूअर है जिसका नाम है श्रितिज बोल के, आई थिंक वो IIT मुंबई से है। वो मेरे वीडियो देख रहे थे, एज पिन मी इन माय फेसबुक। वो नेक्स्ट मंथ वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं और उसका भी लेओवर है सिंगापुर में। सो आस्क मी फ्यू थिंग्स, जैसे कि जो 92 आवर्स वीज़ा के बारे में उसने मेरा एपिसोड देखा और उसने मुझे पूछा कि 92 आवर वीज़ा का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या और ये वीज़ा मिलेगी कैसे। सबसे पहले मैंने भी बहुत रिसर्च किया था, मुझे कोई YouTube में इस तरह का वीडियो नहीं मिला था कि मैं जान सकूँ या कोई मुझे गाइड कर सके, ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग ये पूरे एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैंने जब वीज़ा अप्लाई कर रहा था, मैं सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए सिंगापुर ऑफिस में, मतलब जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे एक बार ट्राई करूँ, फ़ोन करूँ। चेन्नई पे है, उधर पे भी एक फ़ोन करके पूछूँ, ठीक है। लेकिन मुझे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन वो लोग भी नहीं दे पाए थे। ओके, वो लोग ने मुझे सिर्फ एक चीज़ कहा था कि आप एक बार अपने पोर्टल में जाइए। ओके, जो वेबसाइट है मैं ऊपर पर दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट में जाओ और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लो, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगा। यदि आपके ये सारे बेसिक चीज़ें आपके उस क्राइटेरिया में फॉलोअप होते हैं तो आपकी वीज़ा मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। 2 आवर्स, इट्स 96 आवर्स की फ्री वीज़ा मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं वेबसाइट में क्या है और क्या क्या लिखा हुआ है, चलो तो फिर चेक करते हैं। चलिए तो फिर पहले अभी हम लोग सिस्टम में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको जाना है mfa.gov.sg पे, यहाँ पे ओवरसीज मिशन, ये वाला आप URL टाइप कीजिए, जो कि आपका बेसिकली आपका दिल्ली में इसका ऑफिस है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हर कंट्री को दिया जाता है, ये सिंगापुर का है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वाला URL क्लिक करोगे तो इन दैट केस यू नीड टू गो, आपको यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आपके सिंगापुर के नॉर्मल वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन किया गया है, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। मैं इसको कभी और एक एपिसोड में बताऊंगा व्हाट आर द सिंगापुर का वीज़ा प्रोसेस। आज सिर्फ बात करेंगे 96 आवर फ्री वीज़ा के बारे में। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो देखो नीचे जाते हुए आपको यहाँ पे वीज़ा ट्रांसफ़र के बारे में पता चलेगा। देखो वीज़ा ट्रांसफ़र मतलब जब कोई आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो लेकिन आपको जो लेओवर है या ट्रांजिट है वो आपकी सिंगापुर में है, इन दैट केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये है आपका वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी। इंडियन नेशनल्स हु आर इन ट्रांजिट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एलिजिबल फॉर 96 आवर फ्री वीज़ा। बट यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है कि ये आपका इमिग्रेशन आपके चेक होगा, लेकिन इमिग्रेशन चेक होने का दो तीन है कि आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली 96 आवर्स से ज़्यादा आप नहीं रुक सकते हो। पहला क्राइटेरिया, यू कैन नॉट स्टे मोर देन 96 आवर, ठीक है। दूसरा जो मेजर आपका जो रूल्स होगा वो है, आपको इंडिया से जब आप फ्लाइट बुक करोगे या फिर मतलब आप इंडिया से यदि बांग्लादेश जाओगे या फिर कहीं और जाओगे तो आपको ये ट्रांजिट नहीं मिलेगा। सिर्फ आपके इंडियंस को ये बेसिकली ये कुछ ही कंट्रीज में मिलेगा, जैसे आप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट्स मीन इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू दीज कंट्रीज ओनली and your layover or transit is in Singapore for 96 hours, you can easily apply it without any tension, without any headache. आपको दो तीन चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जिस कंट्री में जा रहे हो, मतलब suppose if you are traveling to Australia, you should carry proper visa for Australia. यह आपकी तीसरा important point है। कोई भी country, जैसे आप Canada जा रहे हो या Germany जा रहे हो, उस country का visa होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो एग्जिट होगा सिंगापुर से, जैसे आप सिंगापुर में आज आपकी फ्लाइट है, आप कल सिंगापुर में पहुंच चुके हो, तो उस टाइम आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि आपका एग्जिट फ्लाइट विद इन 96 आवर के अंदर हो, क्योंकि जैसे ही आपका वो 96 अंदर के आवर होगा तो ये अनदर आपकी इम्पॉर्टेंट आपकी क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑल द अबव कंट्री में आपको ये सब मिल सकता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट है, ये
ये जो वीजा है ओके ये जो आपका जो ट्रांजिट वीजा है यू कैन यूज ईदर कमिंग फ्रॉम दोज कंट्री टू इंडिया और वाइल गोइंग फ्रॉम इंडिया. मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जब आप इंडिया से ये सब कंट्री ट्रैवल कर रहे हो और आपकी ट्रांजिट है सिंगापुर में, तब आप ये फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं. या फिर आप ऑस्ट्रेलिया से सपोज इंडिया आ रहे हो और आपका सिंगापुर में ट्रांजिट है 4 आवर्स मतलब 96 आवर्स का उसी के बीच में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो. लेकिन कोई भी एक टाइम, इधर जाने के टाइम और रिटर्न आने के टाइम, यू कैनॉट यूज बोथ द टाइम. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए. तो आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आप अपना इटिनरेरी बनाइएगा. जैसे मैंने ये आप देख पाए हो कि मेरा ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में मैंने जाते टाइम मैंने सिंगापुर में हॉट लिया था, क्योंकि उस टाइम एनर्जी रहता है, हम लोग जाके घूम सकते हैं. और वही चीज़ मैंने एक चीज़ गलती क्या की थी, मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाट आई मीन द मिस्टेक. उस टाइम मुझे यदि पता होता कि सिंगापुर मेरे को फ्री वीज़ा मिल रहा है, मैं शायद वो एक दिन के जगह पे मैं 2 दिन रुक जाता. ओके, बिकॉज 2 दिन में मैं और एक बार सिंगापुर घूम सकता था, क्योंकि मैं सिंगापुर पहले भी गया हुआ था. ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. तो यही आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बिंदास जाओ, वीज़ा रखना उस कंट्री का और एग्जिट होने का अब टिकट रखना अपने हाथ में. वहाँ पे एक फॉर्म होगा, फ्लाइट में मिल जाएगा आपको, अटेंडेंस दे देंगे, फिलअप करना, सबमिट कर देना, आपका काम खत्म. यू विल गेट एंटर फॉर 96 आवर फॉर इंडिया एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप वहाँ पे घूमो, एग्जिट हो जाओ, लेकिन जब भी आपकी फ़्लाइट है उसके पहले आप आ जाना. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, फ़्लाइट मिस ना हो जाए. सो यही चीज़ें हैं और दैट्स इट. और सिंगापुर की नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन ईजीली सेव $30 फ्रॉम हेयर. सो यही है, देखते रहो मेरा चैनल. ऐसा कुछ डाउट हुआ तो मेरे को पूछो, मैं आप लोगों को बताऊंगा. उम्मीद करता हूँ मेरा ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ अच्छा लगेगा. मेरा और एक सीरीज़ नेक्स्ट मंथ आएगा, तो आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक ट्रैवल करूँगा. नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन टू न्यू कंट्री, आप लोगों को दिखाऊंगा. इस बीच कोई भी डाउट हो तो मेरे को लिखो, क्योंकि एक्चुअली मेरा ऑफिस का रहता है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है. मेरे व्यूअर्स प्लीज़ थोड़ा आप मेरे बात समझो, और दैट्स इट. और ऐसे ही जाते 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाना. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये एपिसोड. एनी डाउट राइट मी ऑन फेसबुक, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड कमेंट बिलो. कुछ भी डाउट हो पूछो ट्रैवल रिलेटेड, क्योंकि वही तो मेरा काम है, घूमना. दैट्स इट, ऑफिस और घूमना दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो तो फिर बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट माई फ्रेंड्स, लवली फ्रेंड्स. चलो बाय बाय.